नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बालक मार्कंडेय की कहानी है। बहुत दिनों की बात है, हमारे देश में मार्कंडेय और मृदुवती नाम के पति पत्नी रहते थे। हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में हरे भरे पेड़ों और पर्वतों से घिरे अपने छोटे से आश्रम में वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शिव जी की पूजा किया करते थे। मार्कंडेय बड़े सवेरे उठकर पास बहते स्वच्छ झरने में स्नान करते तथा सुविकसित सुगंधित पुष्पों को चुनकर आश्रम में ले आते, जहाँ बड़े प्रेम से मृदुवती उन फूलों की माला बनाती। स्वच्छ चमकते पात्र में आश्रम की गाय का दूध दुहती, फिर वह शिव जी की पूजा करने बैठ जाती। उन्हें दूध से नहलाती, मंत्र पढ़ती और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर माला भेंट करती। इस प्रकार रहते और शिव जी की आराधना करते बहुत समय बीत गया। मार्कंडेय और मृदुवती की आयु बढ़ने लगी, परंतु उन्हें पुत्र का मुख देखना नसीब नहीं हुआ। वे चिंता करने लगे, बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा, देवताओं की पूजा कौन करेगा, आश्रम की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि उस जमाने में जमीन जोतकर अन्न उपजाने को पृथ्वी की पूजा करना कहते थे। आकाश, वायु, अग्नि और जल प्रकृति के इन वरदानों का उनके नियमों के अनुसार प्रयोग करना ही उस समय में इनकी पूजा करना समझा जाता था और सारे विश्व की कल्याण कामना ही शिवजी की पूजा थी। सब लोग मिलकर एक ही समय में विश्व के कल्याण की कामना करें, संसार की सहायता के कामों में लग जाएं। इसीलिए शिवजी के व्यक्तित्व की कल्पना की गई थी, क्योंकि शिवजी का ध्यान करते ही लोगों का ध्यान उनकी कल्याणकारी प्रवृत्ति पर केंद्रित हो जाता है। अंत में हताश होकर दोनों पति पत्नी एक दिन शिवजी का ध्यान करते हुए आश्रम के निकट बैठ गए और बोले, भोलानाथ, अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक तुम हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगे। बैठे बैठे उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु उनका दृढ़ संकल्प नहीं टूटा। उनका विश्वास था कि हो न हो एक दिन शिवजी ज़रूर उनकी प्रार्थना सुनेंगे और उनकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि उन दिनों अपनी हठ मनवाने, अपना संकल्प पूरा कराने का एक ही तरीका था, तपस्या, जो कि आजकल के उपद्रव, हड़ताल और तोड़ फोड़ करने से कहीं अच्छा था। आखिरकार शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उनकी तपस्या के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। एक दिन बड़े सवेरे जब नित्यक्रम से निवृत्त होकर पति पत्नी ध्यान मगन बैठे थे, तो अचानक शिवजी प्रकट हुए। भस्मांकित मुस्कुराता चेहरा, नीला कंठ, माथे पर तीसरा नेत्र,
हाथ में त्रिशूल, गले में सांपों की माला, सब कुछ ठीक ठाक था। बोले, मांगो, क्या मांगते हो? भगवान, हमें पुत्र की प्राप्ति हो। वे बोले, अच्छा यह बात है। शिव जी ने हंसकर उत्तर दिया, कहो कैसा पुत्र चाहिए? गुणी परंतु कम आयु वाला, अथवा निर्गुण और बहुत दिन जीने वाला? मरुद्वापी ने पति की ओर देखा, फिर कहा, भगवान हमें गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे वह कम दिनों तक ही जीवित रहे। एवं मस्तु कहकर शिव जी मेघमंडल में बिजली के समान अंतर्ध्यान हो गए। ठीक समय पर मृकंडु दंपति के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम रखा गया मार्कंडेय। ठीक ही है, मृकंडु का पुत्र मार्कंडेय ही तो कहलाएगा। मार्कंडेय अभी 5 वर्ष का ही था कि उसके पिता ने उसे शिक्षा देना शुरू किया। बेटा, हमेशा सच बोलना, प्रकृति के जीवों से मेल मिलाप से रहना, उन्हें बिना कारण कष्ट मत पहुंचाना, कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटना। भगवान शिव की कृपा से हमने तुम्हें पाया है, उनके कहने के अनुसार तुम्हारी आयु अधिक नहीं होगी, परंतु यदि तुम परिश्रम करोगे तो सब गुण तुम में वास करेंगे। माता मृद्वाती भी नित्य प्रति पुत्र को आश्रम सेवा का कार्य सिखाती, पेड़ पौधों की देखभाल, पृथ्वी से अन्न का उत्पादन, भोजन तैयार करने की कला, आश्रम की सुरक्षा, फिर शिव जी की पूजा, जो सर्वोपरि थी, सभी कामों में मार्कंडेय अपनी माता के साथ रहता, उससे सीखता, उसकी सहायता करता। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो माता पिता से आज्ञा लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह ऋषि अगस्त्य को खोजकर उनसे विद्या प्राप्त करे। उन दिनों दक्षिण में अगस्त्य का बहुत नाम था। दूर दूर से लोग आकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। सुना जाता था कि वे पशु पक्षियों, भालू बंदरों को भी पढ़ना लिखना सिखा देते थे। दक्षिण पहुंचकर मार्कंडेय ने सबसे पहले एक सुंदर नीले रंग का पत्थर ढूंढा और बड़े प्रेम परिश्रम से उसे चिकना बनाकर शिवलिंग स्थापित किया। फिर वह प्रतिदिन नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करने लगा। शिव मंदिर की सफाई, दूध और बेल के पत्तों को लाना, मंदार के पुष्पों बीजों को ढूंढना, उनकी माला बनाना, फिर स्नान कर सब कुछ शिव जी को अर्पित कर देना, अपने को भी, यह उसका नित्य क्रम बन गया। वह अगस्त्य मुनि की पाठशाला में भी जाता और वहाँ भी मन लगाकर अपना काम करता। देश विदेश से आए हुए विद्यार्थियों के बीच उसका बड़ा मन लगता। एक बार सप्तऋषि यात्रा करते हुए दक्षिण की ओर आ निकले। मार्कंडेय ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सप्तऋषियों की सेवा की। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कुछ दिन दक्षिण में ही रहने का निश्चय किया, यद्यपि उनका स्थायी निवास आकाश के उत्तरी भाग में मान सरोवर के ठीक ऊपर ध्रुव तारे के पास है। अंत में वह दिन आ गया
जब सप्तऋषियों को वापस लौटना था। एक एक कर सातों ऋषियों ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, परंतु जब सब से अंत में गुरु वशिष्ठ के मुंह से पुत्र दीर्घायु हो ये शब्द निकले, तो अचानक दृष्टि उसके माथे पर पड़ गई। मार्कंडेय के ललाट की स्पष्ट रेखाएं उसकी अल्पायु की कहानी कह रही थी। वशिष्ठ ने तुरंत भांप लिया कि इस लड़के की मृत्यु निकट है और मेरा आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा। सातों ऋषि बड़े सोच में पड़ गए। वे मार्कंडेय की सेवाओं से इतने प्रसन्न थे कि किसी प्रकार भी उसकी मृत्यु नहीं चाहते थे। खैर उस समय वे कुछ भी न बोलकर दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गई और उनसे बालक को दीर्घायु बनाने की प्रार्थना करने लगे। सप्तऋषियों की बातें सुनकर ब्रह्मा बहुत जोर से हंसे। आप लोग व्यर्थ ही चिंता करते हैं, उन्होंने कहा, यह लड़का तो शिव का उपासक है, शिव जी क्या अपने भक्तों को छोड़ देंगे? आप लोग चिंता न करें, शिव का भगत कभी कष्ट नहीं उठाता। सप्तऋषिगण आश्वस्त होकर अपने घर चले गए। इधर दक्षिण में प्रवास करते और अगस्त्य मुनि से शिक्षा प्राप्त करते 4 वर्ष बीत गए थे। मार्कंडेय 16 वर्ष का हो गया था। अब मृत्यु के देवता यम को भी अपने कर्तव्य की याद आई। तुरंत अपना पास हाथ में लेकर यम मार्कंडेय के पास पहुंच गया और पीछे से पास का फंदा किशोर व बालक के गले में डाल दिया। परंतु मार्कंडेय तो उस समय अपने इष्ट देव की पूजा में मगन था। उसने यम से थोड़ा ठहर जाने को कहा। बालक की बात सुनकर यम बहुत जोर से हंसा। अरे मूर्ख, मौत भी किसी के लिए ठहरती है। वह बोला, वह बोला और फंदे का एक और लपेटा बालक के चारों ओर खींच दिया, फिर उसे जोर से झटका। यम की जिद देखकर बालक मार्कंडेय तुरंत शिवलिंग से चिपक गया। अपनी लंबी बलिष्ठ बाहों से उसने शिव जी को अपनी छाती से लगा लिया। उसे लगा समस्त पृथ्वी का और उसका अपना कल्याण भी उस समय उसकी शिवलिंग को चिपटाए रखने पर निर्भर है। चाहे जो हो जाए, वह शिव प्रतिमा को नहीं छोड़ेगा। इधर यम के क्रोध का पारा चढ़ने लगा। उसे अपने काम में विलंब की आदत नहीं थी। वह तो मिनटों में आता और आनंद फानन में अपना काम करके चला जाता था। यम ने अपनी पूरी शक्ति से रेशमी डोरी को खींचा। बालक का गला रुंधने लगा। हे महादेव, रक्षा करो, वह चिल्लाया। अचानक शिवलिंग उसके हाथ से छूट गया और भगवान शिव प्रकट हुए अपने पूरे रौद्र रूप में। बात यह हुई थी कि यम ने जब अहंकार में भरकर दूसरी बार अपना पाश फेंका तो शिवलिंग भी उसकी चपेट में आ गया था। इससे शिव जी को असुविधा हुई और वे क्रुद्ध होकर प्रकट हुए। शिव जी के एक धक्के से यम पछाड़ खाकर गिर पड़ा और अपना पाश लेकर भागा। भोलेनाथ ने बालक को
गोद में बैठाकर प्यार किया और उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया। उस दिन मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की थी। शिव जी की कृपा से उसमें आजीवन 16 वर्ष के नवयुग के समान कार्य करने की शक्ति आ गई और मृत्यु के जीत लेने के कारण उसी दिन से लोग भोलेनाथ को भी मृत्युंजय कहने लगे। मार्कंडेय अपनी दृढ़ इच्छा और संकल्प शक्ति के कारण ही मृत्यु को पराजित करने में सफल हुआ था। यदि उसमें स्वयं जीवित रहने की परबल कामना न होती तो शिव जी भी उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। मृत्यु को मुख से बचकर किशोर मार्कंडेय और भी अधिक परिश्रम से पढ़ने लगा। उसके ज्ञान और विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक बार व्यास मुनि के शिष्य जैमिनी यात्रा करते हुए मार्कंडेय के निवास की ओर आ निकले। व्यास मुनि जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो जैमिनी के मन में महाभारत के कुछ प्रसंगों के संबंध में संदेह पैदा हुए थे। उन्होंने सोचा, चलो यह अच्छा मौका है मार्कंडेय की परीक्षा लेने का, उनके ज्ञान का पता भी चल जाएगा और अपने संदेह दूर होंगे सो तो होंगे ही। जैमिनी के प्रश्नों को सुनकर मार्कंडेय ने उन्हें अपने 4 शिष्यों के पास भेज दिया और कहा, यदि उनसे आपका समाधान नहीं हो सके तो पुनः मेरे पास चले आना। मार्कंडेय के ये शिष्य विंध्याचल पर्वत पर पक्षियों का रूप धारण कर रहते थे। उन्होंने जैमिनी का स्वागत किया और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। मार्कंडेय बड़े मार्के के पंडित थे। उनके एक शिष्य का नाम कोष्ठकी था। कोष्ठकी के कहने से उन्होंने सृष्टि के आरंभ, उसके विनाश, पुनर्निर्माण, काल निर्णय, बारी बारी से मनुओं का आगमन और प्रत्येक कल्प में होने वाले राजाओं की विशेषताओं के बारे में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। उस समय में एक ओर यदि ज्ञान बढ़ रहा था तो दूसरी ओर अज्ञान फैल रहा था। लोग ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि आदि जैसे वेदों के समय के देवताओं को भूल रहे थे। वर्षा के पानी, सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की अग्नि का समुचित प्रयोग न हो पाने के कारण पृथ्वी पर अकाल और दुर्भिक्ष पड़ने लगे थे। मार्कंडेय ने एक बार फिर प्रकृति की इन शक्तियों का अध्ययन किया और लोगों को उनका सही उपयोग सिखाया। इस प्रकार बहुत काल तक अध्ययन अध्यापन करते करते मार्कंडेय बहुत बूढ़े हो गए, परंतु उनकी कार्य करने की शक्ति वही 16 साल के युवक जैसी रही। वृद्धावस्था में उनकी भक्ति माँ दुर्गा की ओर हुई। दुर्गा उनके इष्ट देव भगवान शिव की शक्ति थी। एक दिन उन्होंने भक्ति के आवेश में माँ दुर्गा की स्तुति में 700 श्लोक कह डाले। आगे चलकर उनकी यह कृति देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज सारे विश्व में हजारों भक्तगण देवी की पूजा में मार्कंडेय के लिखे स्तोत्र स्तोत्र गाते हैं। ऋषि मार्कंडेय को अपने इष्ट भगवान शिव और देवी दुर्गा से प्रेम तो था ही, अपनी मातृभूमि भारतवर्ष के प्रति भी उनका असीम अनुराग था। अपने महान ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में उन्होंने अनेकों स्थानों पर भारत भूमि का वर्णन किया है। उसकी नदियों पर्वतों की स्तुति गाई है। भारत को वे प्यार से
जम्मू धुरी कहा करते थे। एक श्लोक में उन्होंने भारत की सब नदियों के नाम गिनाए हैं, गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, वितस्ता, यमुना, इरावती, कोहू, गोमती, गंडकी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। जैसे कोई अपने प्रियतम का नाम बार बार कागज पर लिखे, उसी प्रकार उन्होंने भारत के समस्त पहाड़ों से निकलने वाली सब नदियों के नाम लिख डाले। मार्कंडेय को अपने समय के स्त्री पुरुषों की का भी अच्छा ज्ञान था। अपने पुराण में उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा लिखी। मुनि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बड़े कष्टों में डाला। राजा हरिश्चंद्र को राजपाट छोड़कर एक शमशान में नौकरी करनी पड़ी। अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, परंतु वे अपनी सत्य प्रतिज्ञा से नहीं हटे। इसी बीच उनके पुत्र रोहितास को सांप ने काट खाया और उसकी मृत्यु हो गई। मार्कंडेय ने अपने शिष्यों के लिए साध्वी मदालसा की कहानी भी लिखी, जो इतनी विदूषित थी कि उसने अपने सब पुत्रों को स्वयं शिक्षित किया। इनमें अल्लार्क सबसे छोटा था और बहुत ध्यान से पढ़ता था। मार्कंडेय ने अपने ग्रंथ में अच्छे और बुरे प्रकार के मनुष्यों की कहानी लिखी। वितश्चित तो इतना दयावान था कि वह नरक भोगते हुए दुष्टों और पापियों की सहायता के लिए स्वयं भी थोड़े समय के लिए नरक में रहने को तैयार हो गया। दूसरी ओर दम जैसा राजा भी था, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वपुष्मान को मार डाला और उसके शरीर से मांस नोच कर उसे अपने पिता का तर्पण किया। मार्कंडेय बहुत काल तक जिए। अच्छे बुरे स्त्री पुरुषों को उन्होंने बहुत निकट से देखा। प्रकृति की विनाशकारी और कल्याणकारी शक्तियों को अलग अलग पहचाना और फिर अपने इस ज्ञान के निचोड़ को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मार्कंडेय पुराण में लिख दिया। यहाँ पर इस कहानी को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।